Hello everyone and welcome to Compi Prep Hub by Takshila Learning. So 60 days का crash course चल रहा है and as you know आज English की turn है and आज की इस video में बहुत important topic मैं आपके साथ discuss करने वाली हूँ. Last तक बने रहिए, 5 number आपके fix होंगे यहाँ से and topic का नाम सुन के आप जरूर आपके दिमाग में भी यही आएगा कि हाँ इससे related tips तो हमें जरूर चाहिए थे. So आज का topic है error detection. तो एरर डिटेक्शन, जिसमें आपको क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, जिसको पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है एंड उसमें आपको एरर ढूंढना होता है कि कौन से पार्ट में एरर है. एंड आई नो कि एरर डिटेक्शन अब तक आप में से 99% स्टूडेंट्स को लगता होगा कि बहुत ज़्यादा टफ है. अगर इंग्लिश के मैं बाकी सारे सेक्शंस की बात करूँ तो यस, एरर डिटेक्शन वाकई में टफ है क्योंकि इसमें आपके रूल्स अप्लाई होते हैं, आपको पूरी ग्रामर जो है इंग्लिश की, फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर जिसे मैं हम बोलते हैं, वो सारी आनी चाहिए तभी आप एरर डिटेक्ट कर पाते हो. सो अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं. सो आई गेस कि अभी ये राइट टाइम है एरर डिटेक्शन को हिट करने का. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जिससे एरर डिटेक्शन आपके लिए थोड़ा इजी तो फॉर श्योर हो जाएगा. बाकी आपको यस, ग्रामर इसके लिए ज़रूरी है तो आपको ग्रामर सीखनी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. उसके बाद ही आपके ये टिप्स जो हैं वो अप्लाई होंगे. सो चलिए, टिप्स हैं आपके लिए, 4 टिप्स हैं जो कि आप जिस तरीके से आपको एरर डिटेक्शन एग्जाम में सॉल्व करना है उसके लिए. वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए टिप्स जानने के लिए कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हो. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एरर डिटेक्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. सो एरर डिटेक्शन की अगर मैं बात करूं तो एरर डिटेक्शन एज यू ऑल नो प्री एग्जाम में 5 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज फिक्स है. एवरेज की मैं बात कर रही हूँ, 5 फिक्स हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एवरेज अगर मैं बोलूँ तो हर एग्जाम में 5 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन से पूछे जाते हैं. सो इसे इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं. एरर डिटेक्शन के बिना आपको कोई एग्जाम मिलेगा ही नहीं है. इंग्लिश का कोई भी किसी भी एग्जाम का सेक्शन उठा के देख लो, कोई बैंकिंग का है या फिर आपका इंश्योरेंस का है या फिर आपका SSC का है, इवन एंट्रेंस एग्जाम में भी देख लो, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिल जाएंगे. सो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि आपसे सेंटेंस जो है, सेंटेंस को डिवाइड किया जाता है 4 या 5 पार्ट्स में. बैंकिंग एग्जाम की बात है तो अभी 5 पार्ट्स में आपको डिवाइड किया जाएगा एंड आपको स्पॉट करना है कि कौन से पार्ट में एरर है, यानी कि गलत है. अब वो गलती किस बेसिस पे होगी ये भी आपको मैं टिप्स में बताने वाली हूँ. सो ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन और इंग्लिश की आपकी स्किल्स कैसी हैं इसको टेस्ट करने के लिए एग्जामिनर पूछता है. कभी कभार मैं कहूँ बहुत इजी भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आप ढूंढते रह जाओगे कि इतना इजी तो नहीं आ सकता. कभी कभार बहुत टफ आ जाते हैं तो लेवल यहाँ पे अलग अलग है बट यस, क्वेश्चन तो आपको ज़रूर मिलेगा. सो अब स्टूडेंट्स के दिमाग में जो क्वेश्चन हर टाइम उनको पिंच करता रहता है कि यार एरर डिटेक्शन को कैसे सॉल्व करें हम. एरर डिटेक्शन को हम एरर डिटेक्ट कर रहे हैं, अब उसको हम कैसे, क्या तरीका है कैसे उसको डिटेक्ट करें. हमें एक क्वेश्चन दिखा एंड उसमें हम क्या चीज़ें करें कि हमें एरर पता लग सके. तो उसके लिए रूल्स पता होंगे तो यस, वो तो इजी हो जाएगा. अगर नहीं पता है तो भी क्या करें, एक क्या ट्रिक होगी, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट कि कैसे आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सो यहाँ पे टिप नंबर 1 है आज के लिए, दैट इज रीड द होल सेंटेंस केयरफुली. सबसे पहली चीज, अगर आपको एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन एग्जाम में दिखा है तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, उसको थॉरली रीड करना है 1 गो में. ऐसा नहीं है कि हर एक पार्ट को अलग अलग करना है, नहीं, सबसे पहले क्या करना है उसको 1 गो में रीड करना है क्योंकि कई बार जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन बहुत ईजी भी आ जाता है क्योंकि एग्जामिनर बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करना चाहता है लेकिन साथ ही वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी जरूर टेस्ट करना चाहेगा. कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एक थॉरली आप रीड करते हो, रीडिंग करते हुए आपको पता लग जाता है कि एरर कौन से पार्ट में है, क्या है. सो सबसे पहले थॉरो रीडिंग जरूरी है. सो फर्स्ट स्टेप आपके लिए यही रहेगा कि आपको रीड करना है. सो फर्स्टली रीड द कंप्लीट सेंटेंस एज अ होल. पार्ट्स मिलेंगे आपको लेकिन पार्ट्स आपको पार्ट्स में नहीं रीड करना है, एज अ होल उसको 1 गो में रीड करना है. ट्राई टू स्पॉट एरर और सम एरर्स कैन बी स्पॉटेड जस्ट बाय रीडिंग
तो सिर्फ रीडिंग के टाइम पे ही आपके कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो जस्ट आप रीड करोगे वन गो में आपको तभी पता लग जाएंगे, तो उस फर्स्ट रीडिंग में आपको वो एरर भी स्पॉट करने हैं। तो ये हो गए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, आप खुद इसको ट्राई करना, आपको कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ आपके एक रीड से आप एरर स्पॉट कर पाओगे उसमें। बट येस, इसके लिए मैं जैसे पहले ही बोल चुकी हूँ, ग्रामर के जितने भी चीज़ें हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, प्रेपोजिशन का कंसेप्ट हुआ या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वो ज़रूरी है, वो आते होंगे तो ही ये टिप काम आएंगी आपकी। तो पहले मैं आपको यही बोलूँगी कि बेसिक ग्रामर जो है अपनी उसे सीख लें, उसके बाद ही इसे ट्राई करें। नाउ सेकेंड जो टिप रहेगा दैट इज कि ट्राई टू स्पॉट द एरर रीडिंग ईच पार्ट। अब आपने क्या किया कि पहले आपने वन गो में पढ़ लिया, आपको नहीं पता चला कि एरर कौन से पार्ट में है, तब क्या करेंगे? तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, फिर आप एक सिंगल पार्ट लेके चलोगे। फॉर एग्जांपल ए पार्ट आपने लिया, उसको थोरली रीड करोगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें आपको दी गई हैं, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है और प्लूरल है, उसके साथ वर्ब कैसे यूज हुई है, यानी कि उसके बाद आपको एरर्स जो है हर एक इंडिविजुअल पार्ट में स्पॉट करने के लिए ट्राई करना है। ये रहेगा आपका सेकेंड स्टेप अगर वन गो में, वन रीडिंग में आपको एरर नहीं मिला है। तो यस, तो आपको यहाँ पे यही करना है, स्टार्ट रीडिंग ईच पार्ट ऑफ द सेंटेंस वन बाय वन, लुकिंग फॉर द एरर्स। तो हर एक पार्ट को वन बाय वन स्टडी करना आपको स्टार्ट करना है कि एरर इसके कौन से पार्ट में है। तो हर एक पार्ट को इंडिविजुअली आप स्टडी करोगे कि इस पार्ट में कोई आपको एरर दिख रहा है या नहीं, फिर आप नेक्स्ट पार्ट पे चलोगे कि उसमें कोई एरर दिख रहा है या नहीं, देन फिर नेक्स्ट पार्ट में चलोगे। तो कुछ पार्ट तो आपके यहाँ से क्या होंगे, इजिली एलिमिनेट भी हो जाएंगे, क्योंकि कुछ पार्ट ऐसे होंगे जिसमें आपको दो तीन वर्ड्स ही दिए गए होंगे जिसमें भी आपको लगेगा कि कोई एरर इसमें नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन है, तो वो वहाँ से आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आपके बस ऑप्शंस जो है यहाँ पे एक दो बचेंगे, तो आपके लिए एरर स्पॉट करना और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई ये रहेगी आपकी टिप नंबर टू। नाउ नेक्स्ट, अगर आपने अब उसको पार्ट बाय पार्ट भी स्टडी कर लिया लेकिन स्टिल आप एरर स्पॉट नहीं कर पाए, देन क्या करोगे? सो थर्ड स्टेप आप क्या कर सकते हो अब, तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है जिसमें आपको नहीं पता लग रहा एरर क्या है, आपको ढूंढना है, तो आप इस सीक्वेंस में, आपको ये बता रही हूँ, इस सीक्वेंस में जो है आप एरर ढूंढना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सीक्वेंस है, ट्राई दिस सीक्वेंस फॉर स्पॉटिंग एरर्स, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। इसे ट्राई ज़रूर करना, ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना कि आपको इससे हेल्प मिली है या नहीं मिली है। सो ये सीक्वेंस रहेगा कि सबसे पहले अगर आपको एरर अभी तक नहीं मिला है तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड एरर ढूंढने हैं। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस अगर हम लास्ट ईयर्स के उठा के देखें तो वहाँ से स्टडी करके ये पता चला है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब का क्या एग्रीमेंट रहेगा, इससे रिलेटेड आपको ज़्यादातर एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस मिलेंगे। कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब चलेगी। तो आपको सबसे पहली चीज़ सब्जेक्ट एंड वर्ब चेक करनी है। अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड एरर हुआ तो आपको फर्स्ट इंस्टांस में यहाँ से मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट एंड वर्ब चेक करनी है कि वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली फिट है या नहीं है। देन अगर इससे रिलेटेड भी एरर नहीं है, देन आपको फिर टेंसेस पे जाना है, टेंस चेक करने हैं कि टेंस के अकॉर्डिंगली वर्ब सही बैठी है या नहीं बैठी है, तो आपको टेंसेस पे फिर सेकंड ध्यान देना है। देन उसके बाद प्रेपोजिशन चेक करनी है, कई बार आपका प्रेपोजिशन से रिलेटेड भी आपका एरर मिल जाता है जो हम फर्स्ट गो में नहीं कई बार स्पॉट कर पाते क्योंकि कन्फ्यूजिंग होता है। लेकिन आपको ध्यान देकर ये चीज़ें मैं कह रही हूँ फिर से कि आपको पर्टिकुलर इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना है, आपको फिर पर्टिकुलर प्रेपोजिशन चेक करनी है कि प्रेपोजिशन में कोई एरर तो नहीं है, प्रेपोजिशन करेक्ट है या नहीं है। उसके लिए आपको यस इनका, जैसे मैंने बोला, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो प्रेपोजिशन है, टेंसेज है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इससे रिलेटेड आपको मेरी वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड वीडियोज में जाके आप प्रीवियस वीडियोज में देख सकते हो, ये सारे कंसेप्ट आपके वहां पे क्लियर हो जाएंगे।
देन नेक्स्ट चीज आपको देखनी है एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स. कई बार एडजेक्टिव एडवर्ब्स में कंफ्यूजन, इस पे भी मेरी एक वीडियो है, आप वो भी देख सकते हो. एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि वर्ड सेम होते हैं, इनका यूसेज हमें पता होना चाहिए. तो नेक्स्ट आप जो जिस कंसेप्ट पे आप एरर ढूंढोगे दैट इज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, कि एडजेक्टिव करेक्ट लगा है या नहीं लगा है, एंड वहां पे एडजेक्टिव की जगह कहीं एडवर्ब तो नहीं यूज होना था. ये चीज आपको जरूर चेक करनी है. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में एरर यहीं पे ही आपको मिल सकता है. देन अगर फिर भी नहीं मिलता है, कई बार आर्टिकल से रिलेटेड भी एरर मिल सकता है जिसे हम स्किप कर देते हैं. ए एंड द, हम सोचते हैं कि इनका यूज तो यहाँ पे क्या ही किया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. एरर इससे रिलेटेड भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं. तो नेक्स्ट चीज आपको ढूंढनी है आर्टिकल्स से रिलेटेड अगर कोई एरर है या नहीं है. देन फिर आपके बच जाते हैं नाउन प्रोनाउंस एंड आर्टिकल्स. तो यस, ये आपका लास्ट पार्ट रहेगा. नाउन से रिलेटेड हालांकि आपको मिल सकते हैं लेकिन चांसेस थोड़े कम हैं. बट अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं देन गो फॉर यानी कि लुक फॉर नाउन प्रोनाउन, कि नाउन एंड प्रोनाउन अकॉर्डिंगली है या नहीं है, तो आपको एरर फिर वहाँ पर मिल सकता है. तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर है एंड इस तरीके से अगर आप एग्जाम में एरर डिटेक्शन सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपके लेस टाइम में ज़्यादा सॉल्व क्वेश्चन हो सकते हैं विद एक्यूरेसी. उसके लिए ग्रामर आना, यस ये तो फॉर श्योर एक पॉइंट है ही. साथ ही आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि नॉलेज आपके पास है लेकिन अगर उसे प्रॉपर स्ट्रैटेजी में यूज़ नहीं करोगे तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास बहुत कम टाइम होता है. 100 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मिनट्स होती हैं, 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है. हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास एक मिनट से भी ज़्यादा कम टाइम होता है. तो उस टाइम लिमिट में कई बार हमारा दिमाग मेजरअप होता है, हम सही जानते हुए भी गलत कराते हैं. तो दैट इज़ वाई एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की यहाँ पे आपको ज़रूरत है. हर एक पर्टिकुलर पार्ट को किस तरीके से आपको क्लियर करना है उसके लिए, दैट इज़ वाई अभी आप प्रीवियस वीडियोस भी आप इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो. 60 डेज के बैंकिंग क्रैश कोर्स में जहाँ मैंने इंग्लिश में आपके ऐसे ही टॉपिक्स उठाए हैं जहाँ से आपके 5-5 क्वेश्चंस पक्के पूछे जाते हैं एंड उनको किस तरीके से सॉल्व करना है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता. हालांकि उन्हें नॉलेज होती है प्रॉपर लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं पता होती. तो आप और बाकी किसी भी टॉपिक पे वीडियो अभी सर्च करके देख सकते हो. तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए बिफोर अटेम्प्टिंग या प्रैक्टिसिंग एरर डिटेक्शन. नाउ अगर अब फिर नेक्स्ट बात आती है कि ये सारी चीज़ें भी आपने देख ली, फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि अब भी एरर आप नहीं स्पॉट कर पाए, देन ऐसे सिचुएशन में क्या करें. सो मेरा यहाँ पे कि पर्सनल एडवाइस है कि अगर आप इतना रीड करने के बाद आपने सब चीज़ चेक भी कर ली स्टिल आपको एरर नहीं समझ में आ रहा है तो उस क्वेश्चन को स्किप करना बेस्ट ऑप्शन है. क्यों? क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, अब आपने उसको रीड भी कर लिया, आपने उसका पर्टिकुलर पार्ट भी देख लिया, देन आपने उसमें ये सारे जाके चीज़ें कॉन्सेप्ट भी देख लिए कि सब चीज़ें ठीक हैं लेकिन फिर भी आप एरर स्पॉट नहीं कर पा रहे हो. तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एक तो टाइम आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा. इट्स बेटर कि ये टाइम आप जो इसमें वेस्ट कर रहे हो उसको एरर ढूंढने में वो किसी और क्वेश्चन में लगा लो, ज़्यादा बेटर है. सेकेंडली चलो टाइम को एक बार साइड भी कर देते हैं कि चलो इतना टाइम लगा दिया तो थोड़ा सा और टाइम लगा के फ्यू सेकेंड्स में आप इसका आंसर निकाल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि बार बार एक ही चीज रीड करोगे तो इससे आपके कंफ्यूज होने के चांसेस ना और ज्यादा बढ़ जाते हैं. अगर आपको एरर स्पॉट करना है, अगर आपको पता होगा, अगर वो स्पॉट होना होगा तो आपका वो फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग में पता लग जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है तो दैट मींस कि वो फिर आपको स्किप कर देना चाहिए. जितना ज़्यादा उसे फिर रीड करके आप उसमें एरर ढूंढने की कोशिश करोगे फिर आपका वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगी एंड आपके गलत होने के चांसेस सडनली इंक्रीज हो जाएंगे. क्योंकि अभी आप स्पॉट नहीं कर पा रहे हो, फिर आप हर एक चीज़ को अलग नज़रिए से देखोगे एंड वहाँ पे क्या होगा, फिर आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं, टाइम वेस्ट होगा. तो इट्स बेटर कि ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर दो. सो डू नॉट रीड अगेन एंड अगेन. तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बार बार रीड करके बहुत कम टाइम है, एग्जाम में नहीं स्पॉट हो रहा तो क्वेश्चन को छोड़ दो, आगे बढ़ो. बाकी के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो इंस्टेड कि एक ही क्वेश्चन पे अटके रहो कि अरे ईगो पे तो बिल्कुल मत ले लेना कि ये सॉल्व कैसे नहीं हो रहा, ये चीज़ें बिल्कुल मत करना. सो ये 4 टिप्स थे जो आपको हेल्प करेंगे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने में. आई होप कि आपको इनसे हेल्प मिली होगी. नाउ आपको नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, येस नेक्स्ट वीडियो आज यू ऑल नो कि मैं एरर डिटेक्शन की एक्सरसाइज क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगी कि आप किस तरीके से सॉल्व करने हैं इन्हीं टिप्स का यूज करते हुए, जो आपको हेल्प मिलेगी किस तरीके क्वेश्चन आते हैं ये भी पता चलेगा. बट बिफोर दैट
आपका होमवर्क है ये कि आपको खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं यूजिंग दीज टिप्स. फिर आपका खुद से एक नज़रिया होगा कि हाँ ये टिप्स हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कितनी आपकी हेल्प मिल रही है या नहीं, कि प्रॉपर तरीके से फिर कैसे यूज़ होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जब इसकी एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे. सो अभी आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आप इसमें जाके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए यूजिंग दीज स्टेप्स. अपना फीडबैक दीजिए कि आपको हेल्प मिली है या नहीं मिली है. कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं. सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. अंटिल दैट बाकी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ते रहिए. सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.